हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुपमा और अनुपम फूड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने वाली हूँ। एक कच्ची केरी है, इसको सबसे पहले छील लेती हूँ। लेकिन उसके भी पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बनाती हूँ आम की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। इसके लिए सबसे पहले आम को छील ले रही हूँ, सारे आमों को छील लेती हूँ। छीलने से पहले इसे धोकर अच्छे से कपड़े से सुखा ली थी, और आप चाहें तो 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए ताकि इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए, तो आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती हैं। चलिए ये सारे आमों को छील लेती हूँ। सारे आमों को छील ली हूँ। अब इसे आप जिस शेप में चाहें काट सकती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में या लंबे टुकड़ों में, आप जिस तरह से भी चाहें काट सकती हैं। मैं इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। इसके बीज को निकाल लेना है, ये अंदर वाले बीज को निकाल ले रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर ले रही हूँ सारे आमों की। कच्चे आमों को छील कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। चलिए इससे काफ़ी अच्छी खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाती हूँ। एक कढ़ाई गैस पर रख गया, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तब एक सूखा मिर्चा उसको तोड़ करके डाल दे रही हूँ। आधा छोटा चम्मच गोटा जीरा है और आधा चम्मच ही सौंफ है, इसे डाल देती हूँ। और थोड़ी सी हींग आप अपने टेस्ट के फ्लेवर में डाल सकती हैं, ज़्यादा पसंद करती हैं तो ज़्यादा डाल सकती हैं। जब जीरे और सौंफ हमारा चटक जाएगा तब कटे हुए आम को इसमें डाल देती हूँ, और इसे डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लेती हूँ। आम को 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भून ली हूँ। अब इसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो सादा नमक भी थोड़ा सा डाल सकती हैं, काला नमक का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए इसमें काला नमक यूज़ कर रही हूँ। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, इसे थोड़ा सा भून देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, इसे तोड़ ली हूँ, उसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल सकती हैं, लेकिन गुड़ अच्छा लगता है इसलिए गुड़ ही डाल रही हूँ। और आप अगर आपका आम ज़्यादा खट्टा है तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ या चीनी डालिए। हमारा आम थोड़ा सा कम खट्टा है इसलिए थोड़ी सी गुड़ डाल ली हूँ। टेस्ट मीठा आप अपने टेस्ट के फ्लेवर में डालिए। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे गुड़ और आम को हमें अच्छे से पका लेना है। गुड़ जब तक हमारा मेल्ट होगा तो साथ में आम भी हमारा पक जाएगा। चलिए इन दोनों को अच्छे से पका लेती हूँ। गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है और आम भी पूरी तरह से पक गया है। ये देखिए अच्छे से हमारा आम पक गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा और मिर्च को हल्का भूनकर दरदरा पीस करके ले ली थी, उसे डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सौंफ भी भून करके दरदरा पीस कर उसका पाउडर ऐड कर सकती हैं, और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ। हमें बस इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा गुड़ को पकाएंगे तो ये
काफ़ी कड़ा हो जाएगा, इस ये ठंडा होने पे ऐसे ही थोड़ा कड़ा टाइट हो जाएगा, इसलिए इसे इतना ही पका के गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। आम की खट्टी मीठी तीखी चटपटी चटनी हमारी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी बच्चों को सर्व करें, खाने में उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस रेसिपी से एक बार आम की चटनी बनाकर देखें, सबको खाने में बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद।